क्या वीडियो वाटर कलर और पोस्टर कलर्स का कंपैरिजन वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ के बारे में, दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और थोड़ा सा हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि दोनों किन चीज़ों को लेकर डिफरेंट हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वाटर कलर करें या पोस्टर कलर करें, कन्फ्यूज़ हैं वाटर कलर करें या पोस्टर कलर करें, तो हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। आपके अंदर क्लियरिटी आ जाएगी इस टॉपिक को लेके कि वाटर कलर क्या होता है और पोस्टर कलर क्या होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। हाय, मेरा नाम पूजा है और ये मेरा आर्ट चैनल है आर्टिस्टा पूजा हिंदी। यहाँ मैं बात करती हूँ बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के साथ और अपनी आर्ट नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मैंने जो डेमो भी दे रही हूँ मैं साथ में आप लोगों को, एक मैं बना रही हूँ वाटर कलर पेंटिंग और एक मैं बना रही हूँ पोस्टर कलर पेंटिंग यहाँ पर। तो लगभग कॉमन सा डिज़ाइन लिया है मैंने लिया है दोनों के लिए, जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ, जिससे आप लोग इजीली देख पाएँ कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो वाटर कलर के लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, यूज़ कर रही हूँ मेरे खुद के प्रोफेशनल वाटर कलर्स, सेनेलियर वाटर कलर्स यूज़ कर रही हूँ। और पेपर लिया है मैंने, वाटर कलर शीट लिया है यहाँ पर मैंने, और यहाँ मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश। तो जो भी आप चाहते हैं मटीरियल का डिस्क्रिप्शन, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सारा मटीरियल का डिस्क्रिप्शन मैं वहाँ ऐड कर दूँगी लिंक्स के साथ, तो आप जाकर बाय भी कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोनों के कलर के बारे में। वाटर कलर की अगर हम बात करें तो वाटर कलर जो होते हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं। देखिए, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि ये बहुत लाइट फील कराते हैं और इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है। और जब हम पोस्टर कलर की बात करें तो पोस्टर कलर ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, पोस्टर कलर होते हैं ओपेक। ओपेक का मतलब है जिनके जहाँ जो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं हो, जो थिक होते हैं और जिनके जिसमें से देखा नहीं जा सकता। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसमें से देखा नहीं जा सकता, है ना। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके पिगमेंट के बारे में, तो पिगमेंट देखें तो वाटर कलर का पिगमेंट जो होता है वो बहुत फाइन पिगमेंट होता है, और पोस्टर कलर का पिगमेंट जो होता है वो कोरस पिगमेंट होता है, मोटा पिगमेंट होता है। अगर हम इनकी पैकिंग की बात करें तो जो वाटर कलर्स होते हैं वो पैन्स में आते हैं या फिर ट्यूब्स में आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, देखिए पैन्स यूज़ कर रही हूँ मैं, और जो पोस्टर कलर्स होते हैं वो बॉटल्स में आते हैं। जैसा कि मैं आगे जब आप वीडियो देखेंगे आप जान जाएंगे कि पोस्टर कलर्स जो हम बॉटल्स में यूज़ करते हैं, कैमल के पोस्टर कलर्स हो गए या फेबर कैसल के पोस्टर कलर्स हो गए, ये सब बॉटल में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो ये सब ये डिफरेंस है पैकिंग का। इनका जो इनकी जो थिकनेस है उसको अगर हम देखें, इनकी जो कंसिस्टेंसी है उसको अगर हम देखें, तो पोस्टर कलर्स हैवी होते हैं और वाटर कलर एकदम लाइट कंसिस्टेंसी होती है। वाटर अगर मिलाने की बात करें तो देखिए दोनों के अंदर वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज आता है, दोनों वाटर बेस्ड पेंट्स हैं और दोनों के अंदर हमको वाटर मिलाना पड़ता है अगर काम करना है तो। इसका ये भी मतलब है कि जब हम पेंटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो दोनों वाटर कलर, क्योंकि वाटर बेस्ड होते हैं और तो दोनों ही खराब किए जा सकते हैं पानी लगाकर वापस। अगर दोनों की पेंटिंग गीली हो गई बाद में तो वो दोनों पेंटिंग्स खराब हो सकती हैं। तो इसके अंदर जब हम बात कर रहे थे कि वाटर बेस होते हैं तो वाटर कलर के अंदर हमको पानी कम यूज़ करना पड़ता है, जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो हमको थोड़ी कम यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन जो हम पोस्टर कलर होते हैं वो हम डाइल्यूट करते हैं थोड़े ज़्यादा पानी से। तो ये थोड़ा सा फर्क है दोनों के अंदर। पोस्टर पेंट्स जो होते हैं वो थिकर होते हैं वाटर कलर से, और उनके अंदर वाटर का रेशियो हम कंपेयर करें अगर वाटर कलर से तो ज्यादा यूज करना पड़ता है हमको, क्योंकि ये जार्स में आते हैं पोस्टर कलर्स, तो हम इनको जार्स में से डायरेक्ट हमारी पैलेट में लेके यूज कर सकते हैं। और वाटर कलर्स जो आते हैं पैन्स में आते हैं, ट्यूब्स में आते हैं, अगर आप पैन्स में यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट पैन से यूज कर सकते हैं, और ट्यूब्स में अगर आते हैं यूज कर रहे हैं अगर आप ट्यूब्स वाले वाटर कलर्स, तो आप उसमें से हम पैलेट में से उसको निकाल के आराम से यूज कर सकते हैं। तो पेपर की अगर बात करें तो देखिए वाटर कलर पेपर की रिक्वायरमेंट रहती है वाटर कलर पेंट्स के अंदर, लेकिन पोस्टर कलर पेंट्स के अंदर हमको
वाटर कलर शीट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, हम आराम से आइवरी शीट के ऊपर, किसी भी मोटी शीट के ऊपर यूज कर सकते हैं पोस्टर कलर्स। पोस्टर कलर्स बहुत ही पॉपुलर हैं, स्कूल्स के अंदर बहुत यूज होते हैं पोस्टर कलर्स, और पोस्टर्स बनाने में बहुत ज़्यादा पोस्टर कलर्स यूज होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही अच्छी मैट फिनिशिंग होती है, बहुत ही अच्छा इनके अंदर थिकनेस होता है, बहुत ही क्रीमी होते हैं जब हम इनको यूज करते हैं। थोड़ा सा ये जरूर है कि जब हम पोस्टर कलर यूज करते हैं तो उसके अंदर कई बार हमारे जो हमारा पुराना हो जाता है आर्टवर्क, तो उसमें हमको कई बार क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं। ऐसा केवल तभी होता है जब हमारा आर्टवर्क पुराना हो जाता है, काफी पुराना हो जाता है, तो वो बहुत मैटर नहीं रखती चीज। मुझे फिर भी लगता है कि पोस्टर कलर ज्यादा सुटेबल रहते हैं जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए, और बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं पोस्टर कलर्स उनके लिए जो बिगनर्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आर्टिस्ट जो होते हैं, वो जो नॉर्मली जो आर्टिस्ट वर्क करते हैं वो किस हिसाब से वर्क करते हैं, देखिए जो वाटर कलर होता है, वाटर कलर में आर्टिस्ट कैसे वर्क करते हैं, वाटर कलर के अंदर आर्टिस्ट लाइट टू डार्क वर्क करते हैं यूजुअली, और जो पोस्टर कलर्स होते हैं उसके अंदर आर्टिस्ट वर्क करते हैं डार्क टू लाइट। इसके अलावा अगर हमको, देखिए यहाँ पे मैंने व्हाइट पोर्शन छोड़ा, ये मैं वाटर कलर कर रही हूँ और मैंने व्हाइट पोर्शन यहाँ छोड़ दिया, लेकिन अगर मैं पोस्टर कलर करूँगी तो ऐसा नहीं होता है, हम व्हाइट जहाँ हमको अप्लाई करना है वहाँ हम पोस्टर कलर का व्हाइट कलर अप्लाई करते हैं, लेकिन वाटर कलर में ऐसा नहीं होता है। वाटर कलर में हमको व्हाइट कलर को छोड़ देना, वाइट प्लेसेस को छोड़, वाइट जो जगह होती है उसको हमको यूज करना पड़ता है एज अ व्हाइट कलर। उसके अलावा आपकी मर्जी है, हम आराम से, मैं भी कई बार यूज करती हूँ पोस्टर कलर्स वाइट वाटर कलर के अंदर मिडिल में। तो ये तो सब हमारी अपनी प्रायोरिटीज होती है कि हम किस हिसाब से यूज कर रहे हैं पेंट्स को। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि मैं आप लोगों से पूछती हूँ, चलिए आप लोगों को क्या पसंद है, वाटर कलर पसंद है आप लोगों को काम करना या पोस्टर कलर्स पसंद है? मुझे तो बेसिकली जब मैं शुरुआत में कर रही थी अपने कॉलेज टाइम्स के टाइम के अंदर जब मैं वर्क करती थी, तो मैं मुझे पोस्टर कलर्स काफ़ी पसंद आते थे, लेकिन अब इन दिनों क्योंकि मैं वाटर कलर के ऊपर ज़्यादा काम कर रही हूँ तो मुझे वाटर कलर ज़्यादा पसंद है। तो आप भी अपनी ओपिनियन ज़रूर डालिएगा नीचे कॉमेंट बॉक्स के अंदर मुझे, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप इसी तरह के आर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाएंगे तो मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपलोड आपके पास नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप वाटर कलर देखना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं, सीखना पसंद करते हैं मेरे साथ हिंदी लैंग्वेज में, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, तो मेरे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है वाटर कलर इन हिंदी, आप उस पर क्लिक करके वाटर कलर के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, और मुझे लगता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे वो ट्यूटोरियल। तो यहाँ देखिए मेरी वाटर कलर पेंटिंग बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ मैंने बैकग्राउंड के लिए लिया था वेट ऑन वेट टेक्निक, और उसके अलावा मैं यहाँ पर जो यूज करा है, मैंने वाटर कलर यूज करे हैं, पैन वाटर कलर यूज करे हैं मैंने, लगभग थोड़ा सेम डिजाइन ही ले लूंगी मैं अभी, मैं जो आप लोगों को पोस्टर कलर पेंटिंग बना के दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं मेरी पोस्टर कलर पेंटिंग जो कंटिन्यूटी में आगे है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और अगर आप सफिशियंट लगती है आपको यहाँ तक की नॉलेज तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और देख लेते हैं एक बार कि पोस्टर कलर के अंदर अगर हम सेम पेंटिंग बनाते हैं तो क्या लुक आता है, फिर लास्ट के अंदर एक बार कंपैरिजन रिव्यू भी हम कर लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए वाटर कलर और पोस्टर कलर दोनों ही वाटर सोल्यूबल कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं अपने अंदर, और दोनों को ही हम डाइल्यूट करते हैं वाटर से, तो दोनों ही वाटर बेस्ड कलर बोलेंगे दोनों को ही, तो दोनों वाटर बेस्ड कलर होते हैं। और पिगमेंट के बारे में भी बता दिया मैंने, यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सैनिलियर वाटर कलर्स, ये मेरे प्रोफेशनल आर्टिस्ट ब्रांड में यूज़ करती हूँ, तो उसी से बना दी है मैंने यहाँ पर पेंटिंग। तो जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट रहती है हमको जब भी हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो हमको नॉर्मल रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है शीट, उसके अलावा रहता है टिश्यू पेपर ले लीजिए या फिर रफ क्लॉथ ले लीजिए, उसके अलावा वाटर से भरा हुआ एक कंटेनर रिक्वायर रहता है। यहाँ जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ ब्रश नंबर 4,
राउंड ब्रश, उसके अलावा मैंने ब्रश नंबर 2 भी यूज किया था राउंड ब्रश में। उसके अलावा जो मैंने फ्लैट ब्रश यूज किया था वो मैंने यूज किया था ब्रश नंबर 8। और यहाँ पर देखिए मैं बैकग्राउंड लगा रही हूँ पोस्टर कलर से। जो मैंने पोस्टर कलर यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो पोस्टर कलर है फेबल कैसल के पोस्टर कलर्स। यहाँ पे मैंने, मेरे पास है 15 का शेड पोस्टर कलर्स का। अगर आप पोस्टर कलर का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अपर कार्ड में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप पोस्टर कलर से रिलेटेड पेंटिंग्स देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको, बिगनर हैं अगर आप तो मैं लास्ट के अंदर ऐड कर दूंगी, आप लोग इजीली देख पाएंगे। देखिए जब हम पोस्टर कलर यूज कर रहे हैं तो एक तो पोस्टर कलर की बहुत ही मैट फिनिशिंग है, बहुत ही एकदम क्रीमी लुक आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देखिए ओपेक है ये, ओपेक का मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो, जिनके, जिनसे हम देख नहीं पाते हैं, पारदर्शी बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्रीमी और बहुत ही मैट फिनिशिंग वाला लुक है। तो इस तरह का पेंट हम यूज करते हैं, इनकी टेक्निक लगभग, ये जो ब्लेंडिंग टेक्निक्स होती हैं पोस्टर कलर में वो लगभग बिल्कुल सेम होती है जब हम ऑयल पेंट्स करते हैं आगे जाके, तो ब्लेंडिंग टेक्निक्स। तो अगर आप ऑयल पेंट करना चाहते हैं आगे जाके तो पोस्टर कलर से आपको शुरुआत करनी चाहिए। जो ब्लेंडिंग टेक्निक्स हैं वो कॉमन है, ब्रश टेक्निक्स लगभग कॉमन है पोस्टर कलर की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, देखिए थोड़ा सा कॉमन सा ही डिजाइन लिया है, ड्रॉ किया है। तो यहाँ सेम बर्ड ड्रॉ कर रही हूँ मैं और सेम कलर्स अप्लाई कर रही हूँ जिससे आप लोगों को पता चल जाए फाइनली कि क्या लुक आता है दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या होती है पोस्टर कलर की, देखिए एक तो हम अफोर्डेबल होते हैं और नॉर्मल शीट पे हम यूज कर सकते हैं, आइवरी शीट पर। शीट मोटी होनी चाहिए क्योंकि पानी तो इसमें भी लगता है तो आपकी शीट फूलेगी उससे। तो हम पोस्टर कलर में ये होता है कि पानी की थोड़ा, हम पानी की क्वांटिटी कम लगाते हैं एज कम्पेयर टू हम वाटर कलर से, तो उसकी वजह से हमारी शीट फूलती नहीं है। वेट ऑन वेट टेक्निक वगैरह हम यूज नहीं करते क्योंकि वो हम वाटर कलर में ज्यादा यूज करते हैं। तो नॉर्मल शीट पर आराम से हम कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो थिकनेस है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्रीमी लुक आता है इसका। तो यहाँ पर मैं देखिए बिल्कुल बैकग्राउंड वैसा ही देने की कोशिश कर रही हूँ जैसा मैंने वाटर कलर के अंदर अपनी पेंटिंग जो आप लोगों को अभी शुरुआत में दिखाई उसमें दिया था। तो यहाँ देख लीजिए इस सेम तरह का बैकग्राउंड दिया है मैंने लगभग। व्हाट जो पोस्टर कलर्स होते हैं उसके अंदर हम देखिए व्हाइट कलर यूज करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है पोस्टर कलर की बात। और मैं कई बार वाटर कलर्स में भी व्हाइट कलर यूज कर लेती हूँ क्योंकि देखिए कहीं पर कोई रूल्स नहीं बने हैं कि आपको किस तरह से यूज करना है। तो कई बार जब हम मिक्स मीडिया करते हैं तो हम काफी सारी चीजें एक साथ भी यूज करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो इसके अलावा आप लोगों का अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, कोई कंपैरिजन वीडियो अगर आप चाहते हैं, इसके अलावा भी आप कोई अगर ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिएगा और मैं जरूर कोशिश करूंगी बनाने की। तो यहाँ देखिए मेरी पेंटिंग बनके तैयार हो गई है। जब हम देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कलरफुल सा लग रहा है एकदम से पोस्टर कलर पेंटिंग को देखना। और अभी आप जब कंपेयर करेंगे तो खुद आपको लग जाएगा कि वाटर कलर पेंटिंग थोड़ी सी डल लगती है। डल क्यों लगती है वाटर कलर पेंटिंग एज कंपेयर टू पोस्टर कलर पेंटिंग के, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंट लुक है। मैंने जो वाटर कलर पेंटिंग बनाई उसके अंदर मैंने डेप्थ नहीं दी, अगर मैं और उसमें लेयर्स अप्लाई करती तो उसमें भी डेप्थ आ जाती क्योंकि यहाँ पर मुझे एक कंपैरिजन वीडियो बनाना था तो मैंने दोनों के अंदर काफी डिफरेंस रखा और जिससे आप लोग इजिली समझ सकें और जान सकें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां मैं डायरेक्ट बॉटल से यूज नहीं कर रही हूँ, पैलेट के अंदर निकाल के कलर्स को यूज कर रही हूँ। तो पोस्टर कलर को हम आराम से बॉटल से भी यूज कर सकते हैं और पैलेट में निकाल कर भी प्लेट इजीली यूज कर सकते हैं हम, घर में जो हमारे पास प्लेट होता है उसके अंदर भी हम निकाल के यूज कर सकते हैं पोस्टर कलर्स को। पोस्टर कलर वॉशेबल होते हैं, वाटर कलर भी वॉशेबल होते हैं, अगर कपड़े पे लग जाता है, ड्रेस खराब हो जाती है एज अ स्टूडेंट, एज अ आर्टिस्ट हम, हमारी तो हम इजिली उनको क्लीन कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये देखिए पेंटिंग बनके तैयार हो गया बिल्कुल। तो अब आप बताइए चलिए कौन सा पेंटिंग आपको ज्यादा अच्छा लगा, वाटर कलर ज्यादा अच्छा लगा या ये पोस्टर कलर का पेंटिंग आपको ज्यादा अच्छा लगा, ये जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और
देखिए यहाँ पर जब मैं व्हाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ तो मैंने ऑलरेडी वैसे स्पेस छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैं व्हाइट कलर ऊपर से यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। तो व्हाइट कलर बहुत अच्छा लगता है अप्लाई करना पोस्टर कलर पेंटिंग्स के अंदर, और ब्लेंडिंग करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ब्लेंडिंग टेक्निक बहुत ही डिफरेंट होती है पोस्टर कलर पेंटिंग की। यहाँ देखिए ये मैं एक मेरी पेंटिंग ख़त्म होने को आई, तो यहाँ कंप्लीट हो गया है पेंटिंग। तो यहाँ ट्यूटोरियल्स भी हो गए दो आपके पास, एक तो वाटर कलर पेंटिंग का ट्यूटोरियल अवेलेबल हो गया इसी के ऊपर, और एक आपके पास पोस्टर कलर पेंटिंग का भी ट्यूटोरियल यहाँ अवेलेबल हो गया। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा आपको, एकदम से बहुत मैं आपको डिटेल ट्यूटोरियल तो नहीं दे पाई दोनों का, लेकिन मैंने दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए कोशिश करी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाएंगे तो मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपलोड आपके पास नहीं आ पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए इसके अंदर देखिए कितना ज़्यादा मैट फिनिशिंग आ रहा है, क्रीमी इफेक्ट आ रहा है ना, एकदम कलरफुल सा लुक आ रहा है। इसी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पेंट थिक यूज़ किया है हमने। इसकी भी ब्यूटी अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ये वाटर कलर्स हैं। तो जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, वाटर कलर ज़्यादा अच्छा लगा या पोस्टर कलर ज़्यादा अच्छा लगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।